भैया भरत पूरे विश्वास के साथ चले हैं। मन कहता है कहीं ऐसा ना हो मेरे भैया ने मेरा त्याग कर दिया हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मुझे स्वीकार ना करे। फिर उसके बाद हृदय से आवाज आती है, अरे भरत जी आपके भैया तो ऐसे हैं जो पापी से पापी को भी अपने शरण से नहीं दूर करते, तो आप तो उनके भाई हो। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब ना होगी। मेरे साथ सभी अपने जगह पर बैठे बैठे इस प्रार्थना को अवश्य मेरे साथ कहिएगा। ये एक भक्त के हृदय का निवेदन है। आज भरत भैया के हृदय में भी शायद ऐसा ही एक भाव होगा और भैया भरत उसी भाव के साथ चले हैं। हे रघुनाथ जी इतना तो सुनते आए हैं आपके विषय में, मेरी बारी आते आते कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपका स्वभाव बदल गया। भक्त कहता है हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब आश्रित पे अनुग्रह की घर मारे अब न होगी। पतितों को तारने के किससे पड़े पुराने, पतितों को तारने के किससे पड़े पुराने, पतितों को तारने इससे बड़े पुराने। क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी तैयार अब न हो। क्या एक Yeah.
भी ये बोले एहसान मानता हूँ, एहसान मानता हूँ, तकरार अब ना हो, एहसान मानता हूँ, तकरार अब ना हो। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की, घर मार अब न हो, आश्रित पे अनुग्रह की, घर मार अब न हो। हाँ क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी, क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी। हुई बार बार करुणा इस बार अब न होगी, हुई बार बार करुणा शायद दरकार अब न हो, उस प्यार की भी शायद दरकार अब न हो। हाँ एक नई कहानी तैयार अब न हो, क्या एक नई कहानी तैयार अब न हो। अब न होगी एहसान मानता हूँ कि तकरार अब न होगी, हुई बार बार करुणा क्या इस बार अब न हो। भक्त कहता है हे नाथ, इतने सारे पतितों को पावन करने की कहानियां सुनी हैं, क्या उन पतितों की लिस्ट में एक नाम मेरा जोड़कर क्या एक नई कहानी अब तैयार नहीं कर सकते। इतनों को तारा है, क्या मुझे तार कर आप ये नहीं साबित कर सकते कि आप आज भी पतितों को पावन करते। भैया भरत जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे, उस धरा को प्रणाम किया जहां पर राम जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वहां से आगे जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं। अच्छा मैं एक चर्चा और करूं, तीर्थराज प्रयाग की घटना। जब तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं भैया भरत ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़कर तीर्थराज से क्या कहा, मांगहूं भीख त्यागी निज धर्म, मैं अपना निज धर्म त्याग करके हे तीर्थराज आज आपसे भीख मांग रहा हूं। किस धर्म का त्याग किया भैया भरत ने? भैया भरत कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम रघुवंशी हैं, हमने सदैव देने के लिए हाथ उठाया है, कभी मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाया।
आज मैं अपने उस धर्म को किनारे करके आपसे भीख मांगता हूँ। मांगा हूँ भीख त्यागी निज धर्म। और ये अधर्म क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं दुखी हूँ, आज मुझ पर विपदा आई है। आरत काह न करिए कुकर्म। आर्त व्यक्ति कौन सा कुकर्म ना कर डाले। आज मैं भी आर्त हूँ और मैं इसीलिए अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगता हूँ। तीर्थराज से आवाज आई, क्या चाहिए भरत जी? आप एक बार कहकर देखो, सब कुछ है मेरे पास। अर्थ दूं, धर्म दूं, काम दूं, मोक्ष दूं, आप क्या चाहते हैं? मैं सब प्रदान कर सकता हूं। भैया भरत ने कहा, नहीं 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 नहीं, अर्थ मत दीजिएगा, अर्थ नहीं चाहिए। अरे अर्थ की चाह में ही तो कैकेयी ने ऐसा उत्पात किया, और ये देखो आज अर्थ के लालच में कैसा अनर्थ हो गया। अर्थ नहीं चाहिए। तीर्थराज ने कहा, धर्म दे दूं। भैया भरत ने कहा, धर्म भी नहीं चाहिए। अरे मैं उस धर्म का, धर्म को लेकर क्या करूंगा? उस धर्म का पालन करते करते पिताजी स्वर्ग सिधार गए, भैया वन चले गए, ऐसा धर्म भी मुझे नहीं चाहिए। काम दू। भैया भरत ने कहा, कैकेयी के मन में कामना ही तो थी मुझे राजा बनाने की, देखो आज कैसे भिखारी बनकर आपके द्वार पर खड़ा। काम भी नहीं चाहिए। तीर्थराज ने कहा, मोक्ष दे दूं। भरत भैया ने कहा, मैं सगुण उपासक हूं, मैं मोक्ष की कामना नहीं रखता, मैं मोक्ष लेकर क्या करूंगा? अब तो तीर्थराज भी कांप गए कि मैं क्या दूंगा भरत जी। भैया भरत कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं गति ना चाहूं निर्वाण। ये सब नहीं चाहिए। तीर्थराज ने कहा, तो मेरे पास तो यही है, अब मैं क्या दूंगा? कुछ है ही नहीं इसके सिवा, क्या प्रदान करूंगा भरत जी को? तब तक भरत भैया ने बोल कर कहा, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। मुझे हर जन्म जन्मांतर के लिए मेरे भैया के चरणों का प्रेम दे दो, और मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। जब श्री राम कथा का विश्राम किया है मेरे गोस्वामी जी ने, वहां पर एक दोहा लिखा है, आपने भी शायद सुना हो, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। दो चीजें हैं, ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है, ध्यान दीजिएगा। कामी व्यक्ति का स्त्री के प्रति जो प्रेम होता है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। जब गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु जिस प्रकार से कामी पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है, इतना लिखने के बाद गोस्वामी जी ने अपनी कलम किनारे रखी। गोस्वामी जी का नियम था, मिटाते नहीं थे जो लिख दिया उसे। गोस्वामी जी सोच में पड़ गए। क्यों सोच में पड़ गए? अब समझिए इस बात को, अगर कामी पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो वो उस स्त्री से भी ये अपेक्षा रखता है कि ये भी मुझसे प्रेम करे। गोस्वामी जी ने सोचा, ये तो मैं अपने स्वामी को बाध्य कर रहा हूं कि मैं अगर आपको प्रेम करता हूं तो आप भी मुझे प्रेम करो। आपको नहीं लगता हमारा प्रेम तो यही है? हमारा प्रेम यही तो है। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम ये चाहते हैं वो भी 100% मुझसे उतना ही प्रेम। आज प्रेम क्यों नहीं सच्चा नजर आता, आप बताओ? क्योंकि प्रेम में पाने की चाह तो कहीं होती ही नहीं, प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता है।
आज में हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हम एक शर्त रखते हैं, अगर मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करो। और भरत जी क्या कहते हैं, मुझे राम जी का प्रेम मिले पर राम जी मुझसे प्रेम ना करें। जा नहीं राम कुटिल करी मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। मैं भले प्रेम करूं पर राम जी मुझे हमेशा कुटिल समझे, राम जी मुझे प्रेमी ना समझे, ये प्रेम होता है। गोस्वामी जी ने जब लिखा जैसे कामी पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है वैसे गोस्वामी जी ने अपने मन से कहा हम तो भगवान को बांध रहे कि भगवान अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम भी मुझसे प्रेम करो। गोस्वामी जी ने जब कलम रखी अब गोस्वामी जी के हृदय में दूसरा विचार आया। कौन सा विचार? आगे गोस्वामी जी ने कलम उठाई और लिखा लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है वैसा प्रेम चाहिए। अब समझिएगा, लोभी व्यक्ति पैसे को चाहता है, पैसे से प्रेम करता है, पर पैसे से उम्मीद नहीं रखता कि जैसे मैं पैसे को प्रेम करता हूँ पैसा भी मुझसे प्रेम करे, वो ये कामना नहीं रखता है। अब जैसे ये नोट है मैं इसको लाख प्रेम करूं पर मैं इससे उम्मीद नहीं कर सकती कि ये भी मुझसे प्रेम करे, हम इससे अपेक्षा नहीं रखते। गोस्वामी जी ने यही बात कही कि प्रभु जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है ना, बस मेरे हृदय में आपके प्रति वैसा ही प्रेम है, वैसा ही प्रेम। और उसी प्रकार के प्रेम की मांग यहाँ भरत जी ने की है, मुझे प्रेम मिले पर राम जी मुझे कुटिल समझें। भैया एक बात समझिएगा, अगर जीवन में किसी से प्रेम करते हैं, पहली चीज अगर वास्तव में प्रेम करते हैं तो आप जीवन में कभी उससे बता नहीं पाएंगे। दूसरी चीज अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे ये चाहना बंद करिए कि भाई तुम भी मुझे पूरी 100% लॉयल्टी के साथ प्रेम करो। प्रेमी व्यक्ति सामने वाले पर छोड़ देता है, भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे चाहते हो कि नहीं चाहते ये तुम्हारी सरदर्दी है, वो मेरी नहीं प्रॉब्लम है, वो तुम जानो। अब हम भगवान को प्यार करें ये बहुत अच्छी बात है, पर भगवान के सामने ये ना कहें अगर हम कर रहे हैं तो आप भी करिए। भगवान से तो बस प्रार्थना की जाती है, भगवान को शर्तों में नहीं बांधा जाता है। और हम आज यही करते हैं, हम भगवान को ज्यादा अपने हिसाब से चलाना चाहते, मंदिर में जाते भी हैं, मांगते भी हैं, और मांगते भी हैं तो अपनी मर्जी का चाहते हैं। कोई भिखारी किसी के दरवाजे पहुंचे, कहते भैया मेरे पास पहनने को एक भी कपड़ा नहीं है, एक सेट मुझे कपड़ा दे देते, साड़ी दे देते, बड़ी कृपा हो जाती। घर के मालिक ने उठाकर एक साड़ी दे दी। अब उसमें भिखारी बोले नहीं नहीं मुझे पीला रंग नहीं पसंद है, मुझे बैगनी कलर बड़ा भाता है, मुझे बैगनी रंग की साड़ी दो। मालिक घर से भगा देगा, एक तो तुझे दे रहा हूँ ऊपर से तू मुझे ही शर्तों में बांध रहा है। आप बताओ कोई देगा दुनिया वाला? कोई नहीं देगा। और हम भगवान के सामने जाकर क्या ये नहीं करते? यही तो करते। भगवान मुझे चाहिए पहली चीज मांग रहे, और दूसरी चीज निगाहों में अदब नहीं है, सर झुका के नहीं मांग रहे कि सरकार जरूर, उसमें भी सर उठा के, क्यों सर उठाए? 5 किलो लड्डू चढ़ाया हूं तो मांग रहा हूं, तो मांग रहा हूं, उसमें भी ये अपनी कि भाई हमने आप पे करा। भगवान को भी जाके कहते ये पूरा कर दो ना प्रभु तो आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अरे मेरे इंसान, मेरे भैया, मेरे मालिक, भगवान तुम्हारे 10 किलो लड्डू का मोहताज नहीं बैठा है, भगवान आपके प्रेम की इंतजार में रहता है। वो ये नहीं देखते तुमने अपने बगल में फूलों की डलिया कितनी रखी है, फल की डलिया कितनी रखी है, मिठाई के कितने डब्बे रखते हैं। आप भगवान ये नहीं देखता, आप आते हो सामान तो जहां जाए वहां जाए, भगवान आपकी आंखों में झांकता है तू प्रेम कितना लेके आया है ये बता। अगर प्रेम लेके आया है तू आज साथ चलने को भी बोलेगा तो मैं चलने को तैयार हूँ, और अगर प्रेम नहीं लाया है तो तेरी मिठाई तुझे ही मुबारक, ले जा वापस रख ले अपने पास। भगवान को जब हम देखने जाते हैं ना, जब दर्शन करने जाते हैं, तो एक बड़ी अजीब सी चीज होती है हमारे साथ, दर्शन कम करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं।
एक प्रार्थना करना, उस दौरान आंखें बंद करो और उस दौरान भी प्रयास करिए कि जो भगवान सामने है उनकी छवि मन में याद करके प्रार्थना करो। अच्छी बात है। लेकिन आंखें क्यों बंद होती हैं? दर्शन एक बार किया फिर आंखें बंद करके अपनी पूरे दिमाग में लिस्ट चलाते हैं, क्या क्या लेने आया था यहाँ पे, क्या क्या चाहिए था। अब आप सोचो भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, भगवान को देख के तुमने आंखें ही बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? दुनिया की चंद चीजों की तुम गिनती करने में लगे हुए हो भैया, कहीं ये ना भूल जाऊं, कहीं वो ना भूल जाऊं। आंखें बंद कर ली, अब भगवान से सारी चीजें मांग ली। भगवान भी कहते हैं भाई तू 1000 सीढ़ियां चढ़ के मुझसे मिलने आया था पर बिना मिले चला गया, मांग कर चला गया, मिल के जाता तो मुझे भी अच्छा लगता, तू तो आया और मांग के चला गया। भगवान से एक ही निवेदन करिए, हुई बार बार करुणा क्या इस बार अब न हो। शबरी पर हुई, केवट पर हुई, जटायु पर हुई, कोलकिरातों पर हुई, अयोध्या पर हुई, मिथिला पर हुई, लंका तक पे हो गई, तो क्या हम ऐसे अभागे हैं सरकार जो मुंह पे कृपा नहीं करोगे? क्या मैं उस करुणा का भागीदार नहीं बन सकता? इतनी तो कृपा करो सरकार। भैया भरत जब इसी भाव से पहुंचे हैं वहां चित्रकूट में, चित्रकूट जब गए, शत्रुघ्न जी को लिया भरत जी और निषाद राज और भैया भरत साथ में गए, शत्रुघ्न जी को वहीं पर रोका। जब द्वार पे पहुंचे खड़े हो गए, राम जी लक्ष्मण जी से कुछ चर्चा कर रहे थे, कोई प्रश्न किया था राम जी ने, लक्ष्मण जी जवाब दे रहे थे। और आपको ये भी घटना भली प्रकार से पता है, जब कोल की रातों ने आकर बताया आपके जैसे ही दिखने वाले एक राजकुमार बड़ी चतुरंगनी सेना लेकर आज आए हैं, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठा लिया, आज मेरे हाथ से भरत बचेगा नहीं। क्या सोचता है राम जी, भैया अकेले हैं, मेरे रहते कोई राम जी को छू भी नहीं सकता है। राम जी ने यहाँ पर कहा, लक्ष्मण ये छोटा सा अयोध्या का पद क्या है भैया, मेरे भरत को तो अगर ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का भी पद दे दो ना तो भी मेरे भरत के मन में विकार आने वाला नहीं है। जैसे दूध का समुद्र हो, दूध के समुद्र में एक बूंद अगर खटाई डाल दीजिए तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है उस समुद्र को? मेरा भरत वही समुद्र है। ये छोटे छोटे राज्य के पद उसके मन को हिला भी नहीं सकते हैं। लक्ष्मण आपने कैसे विचार कर लिया? अब लक्ष्मण जी शांत हुए, चर्चा हो रही है और भरत भैया इसी दौरान द्वार पर आए। निषाद राज जी ने कहा जाइए भीतर प्रणाम करिए, वो राम जी बैठे हुए हैं। भरत जी कहते हैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा ले जाकर, अंदर नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। जैसे किसी लाठी को आप खड़ा करो और किसी हवा के वेग से वो खड़ी हुई लाठी अचानक धरती पर गिर पड़े, भरत भैया ऐसे ही सीधे उसी द्वार पर गिरे। मुख से एक शब्द निकल रहा है, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर उलकुट की निशंग धनु तीरा, पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही माम प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो नाथ। कहते कहते भरत जी गिर पड़े। ये राम जी बैठे, उनके सामने लक्ष्मण जी बैठे। आप बताइए जो भरत जी की आवाज लक्ष्मण जी के कानों में चली गई, क्या भगवान के कानों में वो आवाज नहीं गई होगी? अरे कोई गूंगा भी बोले ना, भगवान गूंगे की आवाज भी सुन लेते हैं। फिर यहाँ तो भरत खड़े हैं,
भरत जी कह रहे मेरी रक्षा करो, मैं शरणागत हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण आया हूँ। राम जी ने ना बोला ना उठे, मौन बैठे रहे। अब लक्ष्मण जी के लिए बड़े असमंजस की स्थिति है। स्वामी ने प्रश्न किया है, उत्तर देना है। भैया प्रणाम कर रहे हैं, भैया को बताना है कौन सा कार्य करूं और कौन सा कार्य छोड़ूं। अब फंस गए बीच में। अगर उत्तर देना छोड़ता हूं तो स्वामी आज्ञा का उल्लंघन होगा, और अगर आज भैया भरत की स्थिति नहीं बताता हूं तो ये प्रेम की निंदा। क्या करूं अब मैं? अब आपने अगर कभी पतंग उड़ाया हो, अगर कभी पतंग उड़ाया हो, आप देखना पतंग अगर आप उड़ा रहे हो, अचानक से बादल छा जाएं, बूंदे गिरने लगे, और उस चढ़े हुए आकाश पर जो पतंग है उसको पतंग उड़ाने वाला जिस वेग से खींचता है उसकी डोरी को, भैया भरत को देखते ही लक्ष्मण जी ने शीघ्रता से उत्तर समाप्त कर दिया। वैसा ही वेग, वैसी ही शीघ्रता उत्तर समाप्त करके सीधा क्या किया, राम जी के चरणों में अपना मस्तक रखा और आंसू भर कर कहा, भैया भरत प्रणाम करते रघुनाथा। भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं प्रभु। इतना सुना भा कहते ही राम जी खड़े हो गए, रा कहते ही दौड़ पड़े, और ता के पूरा होते होते भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, हृदय से लगा लिया। भरत जी उठना नहीं चाहते, मैं मुख कैसे दिखाऊंगा, मैं मुंह नहीं दिखा सकता। राम जी ने कहा, भरत अगर मुख नहीं दिखाना चाहते कोई बात नहीं, पर भैया हृदय से लग जाओ ताकि जो ज्वाला जल रही है विरह की वो शांत हो जाए। हृदय से लगाया। अब यहाँ पर पूरा समाज आया, माताओं को जब देखा राघव जी ने श्वेत वस्त्र में, बहुत दुखी हुए। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आपके प्रेम में आपके पिता ने देह का त्याग कर दिया। मरण हेतु निज नेह विचारी, पिताजी के मृत्यु का कारण स्वयं के लिए प्रेम जब जाना राम जी ने, मेरे राम जी विकल हो उठे, धीरज ना धर सके। मैंने देखा भी है, सुना भी है, किसी व्यक्ति के यहाँ अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर कई लोग जाकर ज्ञान की बातें करने लगते हैं, आत्मा अजर है, अमर है। भैया वो सब बात सही है, लेकिन समझिएगा एक बात को, इस समय में आज राघव जी की यह स्थिति कहती है कि भैया जब अपना कोई संसार से जाता है तो व्यक्ति का दुखी होना स्वाभाविक है। उस समय कोई ज्ञान काम नहीं आता है, उस समय समझाई गई कोई भी बात काम में नहीं आती है। किसी व्यक्ति के जाने से आपके व्यवहार से पता चलना चाहिए कि आपको दुख है, आपके शब्द से ना पता चले। अक्सर मैंने देखा है कई लोग शब्दों से तो खूब दुखी दिखाते हैं, बहुत दुख है, फिर घर पे क्या कहते हैं, अरे वो फला भाई साहब की वो ऐसी हो गई है तो घाट पे जाना है, जल्दी से दो पराठे बनाकर दे दो क्योंकि पूरे दिन फिर कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ये कैसा दुख है, हम कौन से समाज में जी रहे हैं। अरे सत्य कहूं, आज के समय पे पशु को भी देख लीजिएगा, कोई उसके टोली का मर जाता है तो घंटों बैठे रहते हैं घेर के। हम मनुष्य के मरने पर भी आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरा पाता। किसी के जाने से जो दुख है, एक मानवता का दर्शन होना चाहिए, मानवता दिखनी चाहिए। मेरे राघव जी अत्यंत दुखी हुए, सभा लगी, चर्चा प्रारंभ हुई, कहा गया राम जी से वापस चलना है। राम जी से पर कहे कौन, गुरुदेव से कहा गया, गुरुदेव ने जनक जी पर डाल दिया, जनक जी ने भरत जी पर डाल दिया। भरत जी जब खड़े हुए तो भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं क्या जवाब दूं, ये तो मेरे स्वामी हैं, और जहां ले चलेंगे ये वहीं मैं चलूंगा, ये जहां ले जाएंगे मैं वहीं जाने को तैयार हूँ, जैसा रख देंगे वैसे रहने को तैयार हूँ। राम जी ने कहा, भरत
भैया अगर मेरे हृदय की पूछते हो तो मैं तो यही कहता हूँ, एक वचन का पालन मैं कर रहा हूँ, दूसरे का आप कर दो। कैसे कर दो? आप अयोध्या जाओ, 14 वर्ष बाद मैं राज्य लेने को तैयार हूँ, पर मुझे 14 वर्ष का नियम पालन करने दो। भरत जी को अपने चरणों की पादुका दी है, खड़ाऊ प्रदान किया है। अब इस पादुका को शीश पर धारण करके भैया भरत को विदा किया है। हो मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊ। जाके माता के इस कहना, जाके माता के इस कहना, गिन गिन रहने बिताओ मैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा। जाके अवधपुर वासिन से कहना, 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 विधि का विधान चलना भैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा, ले जा खड़ा, ले जा खड़ा। भरत जी अयोध्या आए,